नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया भर में बनी ऐसी खड़े पत्थरों की स्मारकें जिसको किसने और क्यों बनाया आज तक पता नहीं, क्योंकि उस जमाने में किसी भी सभ्यता के पास ऐसे उपकरण थे ही नहीं कि वह इतने विशालकाय सैकड़ों टनों के पत्थर काटकर ला सकें और तराश सकें। इसलिए शोधकर्ता इसे किसी भी इंसान के द्वारा किया हुआ काम नहीं मानते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे ही स्मारकों के बारे में जानते हैं। पहली, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में पड़ा एक अलग थलग द्वीप है। इस द्वीप पर करीबन 900 खड़े पत्थरों की मूर्तियां हैं जो आसमान की तरफ देख रही हैं। इन मूर्तियों का वजन करीब 75 टन है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एक असंभव काम है, क्योंकि इतने वर्षों पहले किसी भी सभ्यता के पास इतने उम्दा उपकरण थे ही नहीं कि वह इतने वजनी पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बना सके। परंतु आर्कियोलॉजिस्ट को इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं। वे कहते हैं कि यहाँ 300 ईसा पूर्व में रहने वाले लोगों ने अपने पूर्वजों की याद में यह मूर्तियां बनाई थी, लेकिन हाल ही में 2015 में यह पता चला है कि यह मूर्तियां तो आधी जमीन में धसी हुई हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह मूर्तियां 4000 से 5000 साल पुरानी हैं, क्योंकि यह मूर्तियां प्राकृतिक तरीके से जमीन में धसी हैं, जो कि सिर्फ 4000 से 5000 साल के क्रम में ही हो सकती है। अब इस बात पर ध्यान दिया जाए तो यह पता चलता है कि यह मूर्तियां वहां रहने वाले पहली सभ्यता ने नहीं बनाई थी, क्योंकि वह 300 ईसा पूर्व में आए थे, पर यह तो उनसे भी हजारों साल पुरानी हैं। यहां सवाल यह उठता है कि यह मूर्तियां किसने और क्यों बनाई। जब शोधकर्ताओं ने इस मूर्ति पर और जांच करी तब यह पता चला कि इनके चेहरे किसी रोबोट्स की तरह दिखते हैं, जिनकी पतली चिपटे सर, नुकीली नाक और पतले होंठ हैं, जो कि किसी भी मनुष्य से नहीं मिलती हैं और यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दूसरी, सुलावेसी आइलैंड, इंडोनेशिया। ईस्टर आइलैंड जैसी ही मूर्तियां सुलावेसी आइलैंड के वीरान पहाड़ियों के बीच हैं। यहां 20 से भी ज्यादा खड़े पत्थरों की मूर्तियां हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह मूर्तियां भी 4000 से 5000 साल पुरानी हैं। अगर इनके चेहरे भी ध्यान से देखे जाएं, तो किसी भी मनुष्य से नहीं मिलते हैं और 4000 साल पहले की सभ्यता इतनी विकसित तो नहीं थी कि सैकड़ों टन के पत्थर काटकर व तराशकर पहाड़ों पर ला सके। इसीलिए यह मूर्तियां और भी ज्यादा अनसुलझे सवाल छोड़ जाती हैं। तीसरी, ओबेलिस्क। ओबेलिस्क खड़े पत्थरों के स्तंभ को कहते हैं जिनके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ होता है। सबसे पहला ओबेलिस्क मिस्र में देखा गया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर शोध किया तब यह पता चला कि यह भी 4000 से 5000 साल पुरानी है, और जब इसकी केमिकल एनालिसिस किया गया तब यह पता चला कि यह स्मारक क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट से बनी हुई है, जिसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं, और यह एक आधुनिक जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीने के समान है, और यह स्तंभ आज भी काम करता है। हम सबको पता है कि एंटीना का काम सिग्नल को भेजना और रिसीव करना होता है, पर 4000 साल पहले यह स्तंभ किसने बनाया और इनसे सिग्नल कहां भेजे जाते थे और कहां से रिसीव किए जाते थे, ये आज तक रहस्य है। हाल ही में ऐसे 10 स्तंभों की दुनिया भर में खोज हुई है, जो टर्की में, इटली में, 2 इजिप्ट में, पेरिस में, यूएसए में, अर्जेंटीना में, वेटिकन सिटी में, एथियोपिया में और भारत में भी हैं, जिससे यह और भी रहस्यमय लगता है। यह मूर्तियां किसकी हैं और इसे किसने बनाया? यह ओबेलिस्क के जरिए धरती पर किससे संपर्क किया जाता था? क्या वाकई में एलियन प्राचीन काल में धरती पर आते थे, और क्या एलियन ने ही मानव को आधुनिक दुनिया का ज्ञान दिया? यह रहस्य शायद ही कभी सुलझ सके और मानव के इतिहास का पता लगाया जा सके। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।